जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज बलौदा बाजार जिला के बलौदा बाजार ब्लॉक में ही ब्लॉक स्तरीय बैठक रखा गया है, जिसमें हमारे ब्लॉक के समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी भाई एवं बहनों उपस्थित हैं। सम्मान्य साथियों, हमारी इस बैठक में आज हमारे लंबित मांग जो 13 वर्ष हो चुका है, एक सूत्री मांग है अंशकालीन को पूर्णकालीन, जिसमें गहन चर्चा किया गया। सम्मानित साथियों, कारण पता किया तो हमारे समस्त कर्मचारी एक ही आवाज़ में एक ही मंशा से बोले कि दो प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण, दो पंजीयन होने के कारण हमारा मांग अभी तक लंबित है। इसलिए बलौदा बाजार ब्लॉक एक नया पूरे छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी के साथियों से निवेदन करता है कि एक नया प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। दोनों पंजीयन या दोनों प्रदेश अध्यक्ष रद्द होना चाहिए, एक ही पंजीयन होना चाहिए। इस आशा उम्मीद से समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी छत्तीसगढ़ से उम्मीद रखते हैं और सभी हमारे ब्लॉक के साथी इसमें समर्थन करते हैं। मैं सुरेश बघेल, नमस्कार। सम्मान्य साथियों, जिसमें हमारे आज ब्लॉक बैठक में हमारे जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया चंद कौसले जी उपस्थित हैं। कौसले जी हो, नमस्कार, जय जोहार। मैं कन्हैया चंद कौसले, बलौदा बाजार जिला अध्यक्ष। 13 साल हो गए हम अल्लाह स्कूल के साफ सफाई के काम करते हुए और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी मल्ला देखते हैं, जेमा राजेंद्र साहू जी हैं और संतोष खांडेकर जी, ये दोनों देखा देखा तो 13 साल हो गए। तो पूरा छत्तीसगढ़ के विश्वास अब ये दोनों नेता मन से उठ गए हैं। तो हमन हमारे बलौदा बाजार जिला में बैठक रखें ब्लॉक स्तरीय, येमा हमन सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ में पहली प्रस्ताव पारित करत हन कि प्रदेश स्तर के दोनों प्रदेश पदाधिकारी ला मांग करके एक नया प्रदेश पदाधिकारी के मांग करत हन। नमस्कार। बहुत कर्मचारी हमारे बलौदा बाजार ब्लॉक के सम्मिलित हुए। ये हमारे बलौदा बाजार ब्लॉक का कलेक्टर